स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का टेक्निकल दिव्यांग चैनल पर। दोस्तों रियलमी ने रियलमी 5 यूजर यानी क्वाड कैमरा पावर हाउस यूजर्स के लिए रियलमी ने यहां पे पहली बार इंडिया में एक नई अपडेट रिलीज कर दी है और मेजर अपडेट है ये रियलमी 5 के यूजर्स के नज़रिए से देखें तो। और ये पहली अपडेट इंडिया में है तो फाइनली हम आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर रियलमी 5 को पहली बार इंडिया में कौन सी अपडेट मिली है और क्या कुछ चेंजेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रियलमी 5 जो है 4 कैमरा से लेस स्मार्टफोन है जो कि 5000 एमएच की बैटरी से इसे पावर हाउस किया गया है और यही कारण है कि रियलमी से क्वाड कैमरा पावर हाउस के नाम से बुलाती है। और फाइनली जो है ये फ़ोन काफ़ी तेज़ी से इंडिया में सेल हुई थी क्योंकि ये बजट सेगमेंट फ़ोन थी, 9999 रुपये में आपको बहुत कुछ दे रही थी कंपनी, चूँकि रियलमी हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करती है और शायद वो करती भी है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी अपडेट के बारे में, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले घंटी को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि क्वाड कैमरा पावर हाउस यूजर्स के लिए कौन सी अपडेट इंडिया में पहली बार रियलमी ने रिलीज करी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम अपडेट वर्जन की बात करें तो यहाँ पे A13 आपको मिलेगी अपडेट वर्जन जो कि आपको सिस्टम सेटिंग्स में अपडेट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। यहीं पे अगर हम चेंज लॉक की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम चेंजेस कैमरा को लेके किया गया है इस अपडेट में। सबसे पहले ये अपडेट यहाँ पर अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में जो है स्टेबिलिटी को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया, यानी सिस्टम के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया। साथ ही साथ आपको मिल जाती है और जैसा कि रियल में अभी सारे स्मार्टफोन को प्रोवाइड करा रही है डिजिटल वेल बैंक फीचर, तो ये भी फीचर आपको इस अपडेट में ही दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टी टच फिंगर को तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जो है मल्टी टच ठीक से वर्क नहीं कर रही थी तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। अब फाइनली बात करते हैं कैमरा इम्प्रूवमेंट की, तो कैमरा में जो है वो क्लैरिटी को इम्प्रूव किया गया है। पोर्ट्रेट मोड में अगर आप नाइट सीन में लेते थे कैमरा तो यहाँ पे प्रीव्यू इफेक्ट को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया और साथ ही साथ क्लैरिटी को भी इम्प्रूव किया गया है। एचडीआर मोड में भी क्लैरिटी इम्प्रूव करी गई है। और यहाँ पे अगर हम कुछ और इम्प्रूवमेंट की बात करें कैमरा सेक्शन में तो मेन कैमरा को अगर आप जूम करके फ़ोटो ले रहे थे तो इसमें भी थोड़ा इफेक्ट और यहाँ पर जो है इफेक्ट को यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है। और क्वालिटी को भी, यानी कि अब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिलेगी अच्छी आपको रियर कैमरे से। अगर हम कुछ कलर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट कैमरे की कलर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है और कुछ क्लैरिटी को भी इम्प्रूव किया गया। और साथ ही साथ फाइनली जो लास्ट अपडेट आई है कैमरा को लेकर वो है मैक्रो फोटोग्राफी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैक्रो फोटोग्राफी में भी कलर परफॉर्मेंस को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया। तो फाइनली ये थी मेजर अपडेट्स रियलमी 5 यूजर्स के लिए। तो दोस्तों ये अपडेट जो प्रोवाइड कराई गई है A13, इसमें कुछ इतना ही आपको मिल जाता है। तो मेजर चेंजेस है कैमरा को लेके, तो अब जो है रियलमी 5 यूजर्स के कैमरे तो अब लाजवाब होने ही हैं। हालांकि कैमरा तो ऐसे ही लाजवाब है लेकिन अब इसमें इम्प्रूवमेंट आ चुकी है तो अब अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट रियलमी 5 यूजर्स के लिए जो कि रियलमी ने यहाँ पर रिलीज़ करे हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई और स्मार्टफोन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उससे रिलेटेड अपडेट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।